जो एनडीए अलायंस है उसकी सबसे बड़ी पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके जो पारंपरिक मुद्दे रहे हैं उन्हीं मुद्दों को सामने लेकर वो चुनाव के मैदान में आई है। इस सरकार से संबंधित जो पार्टी है जी, वो अपने किए गए कामों के आधार पर चुनाव में वोट मांगेगी और भविष्य की ठोस योजनाएं भी उसके पास में होनी चाहिए जिससे जनता के जीवन में बेहतरी हो। पूरा चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश सरकारी पक्ष की ओर से हो रहा है, ये और भी अफसोस की बात है। कॉमन का मतलब है जो सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी एक व्यवस्था जो सबके लिए लागू होगी, तो इसमें एक तरह का डोमिनेशन है। तक मंगलसूत्र का विषय है, यह भी एक भावनात्मक मुद्दा है और यह एक मनगढ़ंत मुद्दा है, और कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है यह भी मनगढ़ंत है और इसमें कोई दम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूँ सोनालिका आपके साथ। आज हमारे बीच अरविंद अंजुम जी हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़े रहे हैं और सब सेवा संघ से भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार अरविंद जी आपका। नमस्कार। लोकसभा चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दे हैं वो आ रहे हैं कौन से, पक्ष विपक्ष दोनों बताइए हमें। ये जब चुनाव होता है तो एक राजनीतिक प्रशिक्षण भी होता है जी, जनता का और समाज का भी होता है उसमें। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से सामने आए ताकि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उसका योगदान हो सके। इस बार का जो चुनाव अभियान शुरू हुआ तो उसमें सरकार की ओर से जो मुद्दे सामने आए वो जो कि उनका पारंपरिक मुद्दा रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उसकी जो एनडीए अलायंस है उसकी सबसे बड़ी पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है, तो उसके जो पारंपरिक मुद्दे रहे हैं उन्हीं मुद्दों को सामने लेकर वो चुनाव के मैदान में आई है, जिसमें धारा 370 जो कश्मीर, जम्मू और कश्मीर से हटाया गया वो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा सीएए का मुद्दा है। तीसरा उसी के साथ जो जुड़ा हुआ एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का मुद्दा सामने आया। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया और राम मंदिर, ये प्रमुख उपलब्धियां सरकार अपनी गिना रही है जो पिछले 10 वर्षों में उसने इस देश में किया है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि इन सारे मुद्दों के का जनता के जीवन के साथ कितना संबंध है और क्या ये मुद्दे टारगेटेड तो नहीं है किसी खास कम्युनिटी या किसी खास बिलीफ को मानने वाले लोगों को टारगेट करके तो नहीं ये मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। हम अगर थोड़ा पीछे जाएं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1914-15 में 3 भाषण दिए थे राष्ट्रवाद के ऊपर में, जर्मनी, जापान और अमेरिका में, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग अपनी एकता बनाने के लिए दूसरों से झगड़ा करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी वैचारिक खुराक आरएसएस के द्वारा मिलती है वो इसी थीम पर अपनी पूरी राजनीति को केंद्रित किए हुए है। ये सारे मुद्दे अगर आप देखेंगे, धारा 370 हो, सीएए हो, एनआरसी हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा, वो एक कम्युनिटी से संबंधित है और एक दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ है। इसमें और भी मुद्दे आप जोड़ लेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे कि लव जिहाद का मसला है, हिजाब का मसला है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आप देखेंगे तो जो कम्युनिटी को टारगेट करके रखा गया। ये समग्र मुद्दे नहीं है। क्या जनता के मुद्दे सामने आ पाए हैं? हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि सरकार
से संबंधित जो पार्टी है जी, वो अपने किए गए कामों के आधार पर चुनाव में वोट मांगेगी और भविष्य की ठोस योजनाएं भी उसके पास में होनी चाहिए जिससे जनता के जीवन में बेहतरी हो। लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत अफसोस की बात है कि जो भी मुद्दे सरकारी पक्ष की ओर से, सरकारी पार्टी की ओर से चुनाव के दरमियान लाए जा रहे हैं, वो सारे मुद्दे जो है भावनात्मक हैं और जीवन से संबंधित, वास्तविक जीवन से संबंधित ये मुद्दे नहीं है। ये भावनात्मक हैं, भावनाओं का भी कभी कभी महत्व होता है, लेकिन सिर्फ भावनाओं के आधार पर आप किसी कम्युनिटी को गोलबंद करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक को केवल भावनाओं के आधार पर केंद्रित करके गोलबंद करना चाहते हैं, उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने में इसका योगदान बहुत ही कम होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नकारात्मक भूमिका अदा करने लगे और हम लोग देख रहे हैं कि अभी यह नकारात्मक भूमिका अदा करने की दिशा में बढ़ गया है। पूरा चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर केंद्रित करने की कोशिश सरकारी पक्ष की ओर से हो रहा है, ये और भी अफसोस की बात है। भाजपा ने जो मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मंगलसूत्र का मुद्दा जो उसने उठाया है या ऐसे जो भी भावनात्मक मुद्दे वो उठा रहे हैं जी, अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, यूनिफॉर्म को सिविल कोड पहले जो हम लोग चर्चा करते थे वो कॉमन सिविल कोड की बात होती थी। कॉमन सिविल कोड की बात है मतलब स्त्री और पुरुष के जो आपसी संबंध होते हैं उन संबंधों में जो विभिन्न धर्मों संस्कृतियों को मानने वाले लोगों के बीच में कुछ कॉमन बातें ऐसी तय की जाए जिससे स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार होते हैं उसका निराकरण हो सके, यह उसका उद्देश्य था। लेकिन अब यूनिफॉर्म शब्दों का भी बहुत महत्व होता है, कॉमन के जगह में आप यूनिफॉर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि एक प्रकार की बातें होनी चाहिए, एक प्रकार की बातें कॉमन में भी वो वही बातें होती है, लेकिन कॉमन का मतलब है जो सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ हो, और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी एक व्यवस्था जो सबके लिए लागू होगी। तो इसमें एक तरह का डोमिनेशन है और डोमिनेशन डेमोक्रेसी के लिए सकारात्मक नहीं है। जहां तक मंगलसूत्र का विषय है, यह भी एक भावनात्मक मुद्दा है और यह एक मनगढ़ंत मुद्दा है। जो बातें कही जा रही है कि कांग्रेस की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र द्वारा यह डिक्लेयर किया है, ये घोषित किया है कि स्त्रियों का मंगलसूत्र लेकर और उसके सोने का जो इस्तेमाल होता है मंगलसूत्र में उसको वो माइनॉरिटी कम्युनिटी खासतौर पर मुसलमानों को बांट देगी, तो ये इस तरह की बातें ना तो कोई अपनी घोषणा पत्र में कोई भी पार्टी, इवन भाजपा भी इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें अपने घोषणा पत्र में नहीं रख सकती है, और कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है यह भी मनगढ़ंत है और इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि ये जो एक नरेटिव सेट करने का तरीका है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कि वो इमोशनल इश्यूज को आगे बढ़ाती है, ये भी एक इमोशनल इशू, जब बाकी सारे मुद्दे जिन्होंने जो लेकर जो अपनी उपलब्धियों के आधार पर वो मैदान में आई और उसका जब प्रभाव कम होता दिख रहा है या जितना अपेक्षित था उतना प्रभाव नहीं हो रहा है, तो ये फिर नए नए मुद्दे ला रहे हैं जिसमें मंगलसूत्र का मसला भी है। व्यक्तिगत तौर पर ऐसे आलोचना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने पत्नी के मंगलसूत्र की परवाह नहीं की जी, जी। वो पूरे देश के स्त्रियों के मंगलसूत्र की कितनी परवाह कर रही है करेंगे, ये बातें भी हम लोग को सोचनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आलोचना है जरूर, लेकिन जब आप इस प्रकार से डिस्कोर्स में जाएंगे तो फिर आपको भी अपनी प्रामाणिकता के प्रश्नों का जवाब
देना होगा, और इसलिए ऐसे सवाल भी उनके बारे में उठाए जाने लगे हैं। तो ये थे अरविंद जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमसे बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के बारे में। इनसे आगे भी हम बात करते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।